श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। क्लास प्री नर्सरी से क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम में एक्सेलेंट कैंपस, CBSE एफिलिएटेड, बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक मेरिट देने वाला स्कूल, हर तीसरे विद्यार्थी के 90% से ऊपर मार्क्स और हर दूसरे विद्यार्थी के 80% से ऊपर मार्क्स। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। सक्षम युवाओं की सैलरी को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले अक्टूबर महीने के बाद यानी कि अक्टूबर 2020 के बाद अब तक युवाओं को ना तो भत्ता मिला है और ना सैलरी मिली है। काम किए हुए युवाओं को लगभग जो है वो 5-6 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अब तक सैलरी और भत्ता जो है वो नहीं आया है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि फरवरी में आ जाएगा, जनवरी में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा। इससे पीछे मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें विनय सिंधु जी जो हैं, जो कि यहाँ पे रोजगार अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की थी। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इस वित्तीय वर्ष में जो तमाम सक्षम युवाओं का सैलरी और भत्ता जो है वो क्लियर करवा दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो बजट सत्र आया और बजट सत्र में काफ़ी बजट जो है वो रोजगार कार्यालय को, रोजगार विभाग को मिला। तो उसके बाद सोचा कि क्यों ना एक बार जा करके रोजगार कार्यालय में पता किया जाए कि आखिर सक्षम युवा जो लगातार 6 महीनों से अपने सैलरी और भत्ते का इंतजार कर रहे हैं तो उसका क्या स्टेटस है, कब तक आए। तो चलिए, अभी मैं रोजगार कार्यालय में मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पे डिप्टी सुप्रीडेंट छोटूराम जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, पिछले 6 महीनों से लगातार सक्षम युवाओं का भत्ता और जो सैलरी है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, तो बजट भी अब तो अलॉट हो चुका है, कब तक संभावना? अब जो ये बजट है ये कल आया हमारे पास और हमने इसके मतलब फरवरी तक के बिल बढ़ा दिए। ये फरवरी तक बिल बढ़ाने के बाद सारे बिल FD चले गए हैं। एक दो दिन में जब भी FD से वापसी आ जाएंगे तो आते ही ये हो जाएगा, सीन खाते में जमा हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि फरवरी तक का जिसका अलाउंस और जो सैलरी है? हाँ जी, अलाउंस और ऑनरियम दोनों। अच्छा, फरवरी तक जमा हो जाएंगे। तो सर, आने वाले समय में अगर बात करें तो आने वाले समय के लिए क्या बजट अपने पास पड़ा हुआ है ताकि युवाओं को ज़्यादा दिक्कत ना हो? नहीं जी, अभी हमारे पास सिर्फ 10 करोड़ आया था और इतने में हमारा ये फरवरी तक का पूरा हो जाएगा, आगे और मांग लेंगे। अच्छा, आगे और मांग लेंगे। हाँ जी, ठीक है। मतलब क्या फरवरी तक का जो बजट आया है वो फरवरी तक का आप क्लियर कर रहे हैं? हाँ जी, क्लियर कर देंगे, फरवरी तक क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, तो सर आने वाले समय में क्या कोई उम्मीद है ऐसी कि जिससे युवाओं को जो है 4-4 महीने ना पेंडिंग रखना पड़े, महीने के महीने उनकी सैलरी डलती जाए? वो तो यूँ है जी, अगर मान लो हमारे पास ये बजट हुआ आता रहा तो महीने के महीने क्लियर करते रहते हैं और पहले भी हो रहे थे, ये तो अब कई बार हुआ है थोड़ा ज़्यादा। बाकी कोरोना काल के चलते हाँ बस इसी के लिए, बाकी कोई आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आगे मतलब कि अगर बजट नहीं आता, 1 महीने बजट नहीं आया या 2 महीने बजट नहीं आया, तो आप डिमांड नहीं करते कि हमें युवाओं को सैलरी भत्ता देना है? ना जी, हम बार बार वो आप डिपार्टमेंट को लिखते हैं इसके बारे में, बजट की मांग करते हैं कि हमें इतना बजट चाहिए। ठीक है, तो फिर उसका तुरंत समाधान नहीं होता? तुरंत वो तो है, बजट पे है, अगर बजट हमारे पास आ जाता तो हम नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि फरवरी तक का जो है वो 2-4 दिन में आ जाएगा? नहीं, फरवरी तक का हमने क्लियर कर दिया जी, क्लियर करके बिल बन गए, बिल FD चले गए इसके। हाँ जी, ये तो मैं कह रहा हूँ कि फरवरी तक का युवाओं का सैलरी और भत्ता जो है वो कम्प्लीट क्लियर हो जाएगा? हाँ जी, क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, एक सवाल यहाँ पे, मैंने जब पीछे वो वीडियो चलाया था विनय जी का, तो उसमें कमेंट आए थे लोगों के कि क्या इसमें कोई राजस्थान से जिसने +2 कर रखी है या BA कर रखी है या हरियाणा का रहने वाला है, राजस्थान से उसने पास कर रखा है, तो वो एबल है इसमें पढ़ने? नहीं जी, सक्षम के नियमानुसार नहीं है वो। अच्छा, तो सक्षम के नियमानुसार क्या है, कौन सा बच्चा जो है वो सक्षम में अप्लाई कर सकता है? सक्षम की इसकी जो मेन क्वालिफिकेशन है हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली। अरे, इसका जो वार्षिक आमदन है जी वो जो इसका नियम है 3 लाख से कम और हरियाणा का निवासी होना चाहिए। ये। अच्छा, अब अगर सर मान लो कोई राजस्थान का निवासी है, उसने हरियाणा से अपने जो है वो ग्रेजुएशन कर ली, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? नहीं, अगर वो राजस्थान का रहने वाला है, यहाँ का अगर वो रेजिडेंस प्रूफ देगा तो वो टाइटल है जी। यानी कि रेजिडेंस प्रूफ हरियाणा का ही होना चाहिए और वो बच्चा जो है वो हरियाणा के यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ही पास आउट होना चाहिए? हाँ जी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से। अच्छा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, तीनों यूनिवर्सिटी, तीनों स्टेट की। पटियाला भी ले लीजिए? नहीं, अभी
तीन यूनिवर्सिटी। हाँ जी। अच्छा, या तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी हो, या चंडीगढ़ की हो, या हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कोई और स्टेट से किया हुआ? नहीं, सक्षम अनुसार नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी राहत उन तमाम सक्षम युवाओं के लिए है कि जिनका फरवरी तक का वेतन और भत्ता जो है वो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो यानी कि आज 1 अप्रैल हो चुका है, 1 अप्रैल के 2 अप्रैल हो चुका है, माफ़ कीजिएगा, यानी कि 5 या 6 अप्रैल तक आने की पूरी पूरी संभावना है। बजट विभाग के पास आ चुका है और विभाग ने जो बिल है वो बिल बना करके उच्च अधिकारियों के पास भेज दिए हैं, हायर अथॉरिटी के पास भेज दिए हैं, वहाँ से अप्रूव होकर के जैसे इनके पास आएगा तो उसके बाद जो है वो सैलरी और भत्ते जो है वो डालने शुरू कर दिए जाएंगे। यानी कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का जितना भी जिसका अलाउंस और जो सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है वो अब क्लियर हो जाएगी। पिछले वीडियो में कुछ लोगों के सवाल आए थे कि क्या राजस्थान का इसमें अप्लाई कर सकता है, तो उन तमाम सवालों का जवाब मैंने आज यहाँ पे रोजगार अधिकारी महोदय से लिए, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हरियाणा का निवासी है और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के किसी भी संस्थान से अगर उसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट किया है तो वो सक्षम युवा का लाभ लेने के लिए एबल है। और इसके अलावा अगर कोई राजस्थान का रहने वाला और उसने अगर हरियाणा में पास आउट किया है तो वो एबल नहीं है, उसको भरने के लिए, यहाँ पे भरने के लिए हरियाणा का प्रूफ देना होगा। अब कुछ एक सवाल ये भी आए थे कि राजस्थान की कोई लड़की है, उसने हरियाणा में शादी कर ली, तो अगर उसने हरियाणा में शादी कर ली तो वो एबल तभी होगी जब उसने हरियाणा की यूनिवर्सिटी से या दिल्ली की या चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट होगी और हरियाणा का उसका रेजिडेंस होगा। अगर हरियाणा का उसका रेजिडेंस होगा और उसने राजस्थान से या अलग किसी स्टेट से पास आउट किया है तो वो सक्षम युवा में आवेदन करने के लिए एबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी राहत। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके अगर कोई और भी सवाल हैं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में उन तमाम सवालों के जवाब जो है वो हम रोजगार अधिकारियों से ले सकें। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।